ठीक है जी, वेलकम मैं यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे आप लोग होप सभी से होंगे गाइस। तो अभी स्क्रीन पर एक वीडियो देख पा रहे गाइस। तो इस टाइप का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल हो रहा है गाइस। इस वीडियो पे गाइस 1.5 मिलियन प्लस व्यू आया गाइस। तो इस टाइप का वायरल वीडियो का एडिटिंग ट्यूटोरियल को कैसे आप VN एप्लीकेशन से बना सकते हैं। इस टाइप का डे टू नाइट वाली जो वीडियो है गाइस काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है गाइस। यहाँ पर नाइट वाले जो वीडियो देख सकते हैं ब्लू वाली एक टोन आ रहा है नाइट के साथ। तो इस टाइप का वीडियो को कैसे आप VN में एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हैं और कौन सा फिल्टर लगाना है, सबसे मेन चीज़ है कि कौन सा फिल्टर लगा के इस टाइप का वीडियो को आप बना सकते हैं, आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा गाइस। तो अगर इंटरेस्टेड है इस टाइप का वीडियो एडिटिंग आप लोगों को सीखना, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो करते हमसे लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, देन आपको प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, देन न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना और यहाँ से जो वीडियो क्लिप है उसको ले लेना। और वीडियो जो शूट करने का जो टाइमिंग है उसको याद रखना है, जैसे शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद ही जब सन मतलब सूरज ढलता हो उस टाइम एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप से वीडियो को शूट कर लेना, तो ज़्यादा बेटर होता है इस टाइप का वीडियो को एडिट करने में। और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और ये देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा अंधेरा अंधेरा टाइप का वीडियो मैंने शूट करके रखा है। तो यहाँ पर जो मेन सॉन्ग है इसको साउंड को ऑफ कर देना और यहाँ से जो सॉन्ग है इसको म्यूजिक को ऐड करना और जहाँ वो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है जो भी सॉन्ग पे क्रिएट करना चाहते हो उस सॉन्ग को यहाँ से यूज कर लेना। ओके, यहाँ से आ चुका है हमारा सॉन्ग और यहाँ पर सॉन्ग के अकॉर्डिंग वीडियो भी है। मैंने पहले से ही वीडियो को फ्रेश कट आउट कर लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। और यहाँ से गाइस सबसे पहला नंबर तो आपको जो फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जो मैं फ़िल्टर यूज करने वाला हूँ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सो इसी फ़िल्टर को आपको यूज करना है, तो मैं आप लोगों को नंबर भी बता दूंगा कि कौन सा नंबर का आपको फ़िल्टर को यूज करना है। तो थोड़ा सा स्लाइड करना है इधर से और ये बता रहा हूँ अभी, एक मिनट शो देख सकते हो गाइस ये जो फिल्टर है, ठीक है, इस फिल्टर को मैं आप सेव कर लिया फेवरेट पे और ये फ़िल्टर 94 नंबर पे है और इससे फिल्टर का पूरा जिप फाइल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ये जो फिल्टर है इस फिल्टर को ही यूज करना 94 नंबर वाली और अप्लाई टू ऑल करके यहाँ पर रख देना, ठीक है। तो ये फ़िल्टर आ चुका है, अभी मेरा जो वीडियो है उस टाइप से नहीं लग रहा है हालांकि जिस टाइप से आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो इसके लिए एडजस्ट में जाना और थोड़ा सा आपको मैनुअली भी एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, तब जाके ये वीडियो और भी ज़्यादा सही होगा। तो या तो फिर आप पहले भी एडजस्ट करके उसके बाद वीडियो को ऐड कर सकते हो, उसमें भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला वैसे। तो ऐसे करके मैं फ़िल्टर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा गाइस, देखो तो इस टाइप से यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है और शार्पनेस को थोड़ा सा हाई करना, HU जो है गाइस इसको थोड़ा सा HU मोड से ही आप जो वीडियो का जो थीम है उसको पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। देखो गाइस यहाँ पर मैंने ब्लू टोन ले आया, अब यहाँ पर हाईलाइटेड वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड करना, शेडो वाले इफेक्ट पे आके थोड़ा सा इसको शेडो लगा देना। ओके, अप्लाई टू ऑल कर देना। अब यहाँ पर वीडियो हमारा दिखाता हूँ, तो कुछ इस टाइप का वीडियो है और यहाँ पर पूरी तरह से डार्क हो चुका है, बट थोड़ा सा यहाँ पर और अगर एडजस्ट करना करने सकोगे या करना है तो और भी ज़्यादा ये सही हो जाएगा वीडियो आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना होगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस टाइप से दिख रहा है और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है तो आप फिल्टर में जाकर थोड़ा सा फ़िल्टर को आपको यूज को कम कर सकते हो और यहाँ पर इफेक्ट जो एडजस्ट है इस पर आपको जाके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो इससे ये डार्कनेस वाला एडजस्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जब वीडियो आ जाए तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको VIP मोड पे जाना है, देन वीडियो वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर एक वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जैसे कि ये रहा वीडियो, इस वाले वीडियो को डाउनलोड करना और इसको जूम करना, ऐसे करके जूम करने के बाद इसको वीडियो के एंड तक ले जाना है और अब इसका जो साउंड है साउंड को ऑफ कर लेना, ओके ऑफ ही है। और अब आपको क्या करना है, इसको चाहो तो आप रोटेट भी कर सकते हो क्योंकि इधर से अगर आप लग रहा है कि थोड़ा सा अलग तरीके से ये बादल गरज रहा है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से आपको मास्किंग वाले ऑप्शन पर आना है और ये लाइनर वाली जो इफेक्ट है इस पर आपको क्लिक करना है, लाइनर पर सेट कर देना इसको और अब ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आना और स्क्रीन पे आपको इसको सेट कर देना है और थोड़ा सा आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना होगा इक्लिप्स को,
तो एक बार प्ले करके भी आप चेक कर सकते हो कि सही से एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो आप मिनिमली फिर से एडजस्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा था, मैं इसे रहने देता हूँ। देन यहाँ से जैसे कि मैं मोबाइल उठा रहा हूँ तो एक आपको होलोग्राम वाला इफेक्ट लगाना है, तो मैंने होलोग्राम वाला इफेक्ट पहले से ही बना के रखा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग को लिंक उसका भी दे दूँगा। आप मेरा वाला जो वीडियो होलोग्राम इसी को यूज करके वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, या आप खुद का होलोग्राम बनाना चाहते हो तो उसको भी बना सकते हो। तो उसके लिए गाइस मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना, अगर आप लोग को होलोग्राम बनाना नहीं आता तो मैं आप लोग को जो सब बता दूँगा। तो ये रहा गाइस, इसको अब आप क्या करना है, ब्लेंडिंग पे जाना है और स्क्रीन पे सेट करना। स्क्रीन पे सेट करने के बाद ओके, इसको लाइटिंग स्क्रीन पे सेट करना और इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेना ऐसे करके ओके। एडजस्ट करने के बाद गाइस यहाँ से आपको एनिमेशन मोशन वाले इफेक्ट पे जाना है और इन एनिमेशन में आपको कौन सा एनिमेशन देना है मैं आपको दिखाता हूँ। रिवील ये साइड, एक मिनट दिखा देता हूँ कौन सा लगाना है। तो ये गार्डियन पे जाना है और ये सेकंड नंबर वाली जो, और एक बार क्लिक करोगे सेकंड नंबर वाली एक इफेक्ट आएगा तो इसी को आपको लगाना है 1.2 सेकंड ओके। तो ये एक अलग से मतलब देखोगे जूम होके निकल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। और यहाँ से आप लोगों को आउट एनिमेशन भी क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे वीडियो यहाँ से प्ले होता है, प्ले होने के बाद जब आप ऐसे करके स्लाइड करके देख रहे हो अपना व्हाट्सअप चैट को, देन थोड़ा सा जहाँ से आप मोबाइल को नीचे कर रहे हो उसका कुछ एक सेकंड दो सेकंड पहले ही आपको इसको हटा देना है। जैसे कि यहाँ से एकदम टाइम को सही से एडजस्ट करना, जैसे यहाँ से मुझे लग रहा है हट जाएगा ओके। तो यहाँ से आपको स्प्लिट कर देना वीडियो क्लिप्स को, यहाँ से इधर वाली वीडियो को डिलीट करना, देन मोशन पे जाना है, आउट एनिमेशन पे जाना है और फिर से गार्डियन पे जाके आपको इस बार ये लास्ट वाला गार्डियन इफेक्ट को लगाना है। तो आपका कुछ इस टाइप से वीडियो बने के तैयार हो जाएगा गाइज। अगर टाइम लाइन थोड़ा आगे पीछे है तो इसको एडजस्ट कर सकते हो आप लोग अपने अनुसार, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको सेट कर लेना सही से। सो गाइस जब सेट हो जाए तो वीडियो को एक बार यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा काम बचा उसको करना होगा, ठीक है। सो जब वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो फिर से आपको प्लस वाला आइकन को क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, जन जो वीडियो को एक्सपोर्ट कर जाती है उसी वीडियो को आपको फिर से ले आना वीडियो के अंदर, ठीक है। इम्पोर्ट कर लेना है। सो गाइस देखो वीडियो इम्पोर्ट कर लिया मैंने, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है इधर, और इधर स्लाइड करोगे तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ करना है, आपको पीआईपी वाले मोड पे जाना है, वीडियो वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर मैं आप लोग को दे दूँगा गाइज एक बर्ड्स इफेक्ट वाली वीडियो का लिंक। सो आपको उस बर्ड्स इफेक्ट वाली वीडियो को यहाँ पर ले आना, ठीक है। तो देखो गाइज ये वाले बर्ड्स इफेक्ट को ले आना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन को जूम करना है ऐसे, और जितना जूम करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ से, और इधर थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो आपको ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्रोमा की वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करके ये जो पंछी है इसको अच्छी तरह के स्मूथ तरीके से हटा लेना बैकग्राउंड इसको, और एक बार प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से लग रहा है। अभी आपको क्या करना होगा, ये जो जितने भी वर्ड्स है इसको आपको एक सही ट्राइंगल सही जगह पर सेट कर देना है ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगा। और एक मिनट, थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा है बर्ड्स इफेक्ट तो आपको यहाँ से जूम करना है ऐसे, तो आपका ये बर्ड्स इफेक्ट थोड़ा वीडियो के अंदर कम हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर एकदम छोटा कर सकते हो वीडियो को ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देना, कट करके हटा लेना, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट इसको भी हटा लेना, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली हमारा जो वीडियो बन के बहुत ही ज़्यादा तैयार हो चुका है, और अब यहाँ से आप चाहो तो रेन इफेक्ट को यूज कर सकते हो, नहीं अगर यूज करना चाहते हो तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फिर भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ से आप नॉर्मली से एक इफेक्ट यूज कर सकते हो, फिर से यहाँ पर आना, स्प्लिट कर देना इधर वाले पार्ट पे जाके, और यहाँ से आपको डिस्पोजल वाला इफेक्ट, सॉरी डिस्पोजल वाला नहीं, ये एक मिनट, वाइट, ये इफेक्ट लाइट, ठीक है। ये लाइट वाले इफेक्ट को यूज करना है वीडियो के अंदर, और ऐसे करके यूज करने के बाद
ये कुछ इस टाइप से इफेक्ट देगा, और फिर से आपको स्प्रेड कर देना है इधर, फिर से बीच में आपको वही सेम इफेक्ट यूज करना है राइट वाले। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप से हमारा इफेक्ट आ चुका है। तो फाइनली हमारा जो वीडियो है बनकर तैयार हो गया गाइज, तो कुछ इस टाइप से आप वीडियो को बना सकते हैं और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लेना फाइनली वीडियो। तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि वीडियो कैसे बनाना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।